दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक है हमारा नाउंस। अच्छा, नाउंस में बहुत सी चीज़ें हैं, नाउंस काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इस वजह से हमने नाउंस को तीन डिफरेंट वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आज हम नाउंस वन करेंगे, उसके बाद फिर नाउंस टू करेंगे और फिर नाउंस थ्री करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नाउंस वन में हम क्या पढ़ेंगे और नाउंस टू में और नाउंस थ्री में। तो देखें, नाउंस वन में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा नाउंस के बारे में, उनके जेंडर्स के बारे में, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल नाउंस होते हैं जर्मन लैंग्वेज में। इसके अलावा कुछ आपको स्टार्टिंग वोकैबलरी दूंगा, कुछ जनरल सी बिल्कुल चंद अल्फाज जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हैं, और फिर कुछ टॉपिक्स के हिसाब से, जिस तरह होम के बारे में, लिव फैमिली के बारे में, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के बारे में। तो ये आपको नाउंस की वोकैबलरी तैयार करेंगे। इसके अलावा मैं आपको आज क्वेश्चनल प्रोनाउंस वास एंड वेयर के बारे में बताऊँगा। वास और वेयर, ये दो क्वेश्चन प्रोनाउंस भी करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसको कि हम नाउंस टू कहेंगे, उसमें मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स जो हैं, जो जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल तो आप हम आज ही कर लेंगे, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल, ठीक है ना, ये सारे नाउंस के बारे में आपको मैं बताऊँगा। और इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट के तौर पे नाउन की क्या फॉर्म होती है आर्टिकल की, और ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे उसके फॉर्म होता है। सब्जेक्ट को जर्मन में नॉमिनेटिव कहते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन को कहते हैं अकुजेटिव, मगर ये आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और इसके अलावा प्रोनाउंस, नाउंस के साथ हमेशा प्रोनाउंस भी इस्तेमाल होते हैं, तो प्रोनाउंस जिसको इंग्लिश में हम ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउंस हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और वो भी सब्जेक्ट के तौर पे भी और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी। ये नाउंस टू में होगा। फिर उसके बाद हम नाउंस थ्री करेंगे। नाउंस थ्री में सबसे पहले मैं आपको निगेशन के बारे में बताऊंगा, जिस तरह नो, नॉट वगैरह, आप निगेशन कैसे करते हैं नाउन की या किसी चीज़ की जर्मन जुबान में। फिर उसमें हम पर्सन्स पढ़ेंगे, सारे पर्सनल प्रोनाउंस, जिस तरह मैं, आप, तुम, वो वगैरह, ठीक। और उसके बाद पोजेसिव आर्टिकल पढ़ेंगे। पोजेसिव आर्टिकल क्योंकि पर्सन्स के मुताबिक होता है, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उनकी, ये सब चीज़ें पोजेसिव आर्टिकल कहलाती हैं। तो दोस्तों, दिस वाज जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि क्या पढ़ेंगे हम नाउंस वन में, नाउंस टू में और नाउंस थ्री में। तो चलिए अब हम नाउंस वन यानी नोमन आइंस स्टार्ट करते हैं। और नोमन आइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल, यानी डेयर, डी और दास। देखिए, इंग्लिश में एक ही डेफिनेट आर्टिकल होता है, द, जिस मिसाल के तौर पे द मैन, द बुक, द वोमन। जर्मन में तीन होंगे, कुछ नाउंस होंगे डेयर, कुछ होंगे डी और कुछ होंगे दास। तो इसको हम देखेंगे, फिर इसके बाद जब हम ये समझ लेंगे और प्लूरल्स भी इनके, तो फिर मैं आपको कुछ वोकैबुलरी आपकी बनवाऊंगा, जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के थोड़े से आम से वर्ड्स, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं आर्टिकल्स कैसे होते हैं, वो हम जनरल सी वोकैबुलरी बनाएंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चनल प्रोनाउंस सिखाऊंगा, ये वास और वेयर। वास का मतलब व्हाट और वेयर का मतलब हु, तो इनका फर्क और कैसे सवाल बनाते हैं और कैसे इसका जवाब होता है। और इसके बाद फिर हम काफ़ी वोकैबुलरी सीखेंगे टॉपिक्स के हिसाब से। A1 के इम्तहान में ज़रूरत होती है कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के हिसाब से आपके पास वोकैबुलरी हो। मिसाल के तौर पे फैमिली के बारे में, एसनोन ट्रिंकन के बारे में,
ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वोनन के बारे में, यानी रहना, घर वगैरह, और इसके अलावा राइजन के बारे में, राइजन यानी ट्रैवलिंग के बारे में। तो इस तरह से हम तमाम टॉपिक्स को तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको मैं आज वोकैबुलरी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, ये देखिए आप स्लाइड आपको अब नजर आ रही है। जर्मन लैंग्वेज में जो डेफिनेट आर्टिकल है वो तीन शक्लों में होगा। हर नाउन या तो मैस्कुलिन होगा, उसके साथ आर्टिकल लगेगा डेयर, डेयर, बिल्कुल एयर की तरह बोलिए और साथ डी लगा दीजिए, डेयर। कुछ नाउन जो होंगे जो कि फेमिनिन नाउन्स हैं, उनके साथ लगेगा डी, DIE, डी। आपको याद है ना कि IE जब अल्फाज में आता है तो उसको ई पढ़ते हैं। और कुछ नाउन जो कि न्यूट्रल नाउन होंगे, उनके साथ लगेगा दस। तो जनाब तीन तरह के आर्टिकल होंगे जर्मन में, डेफिनेट आर्टिकल की तीन शक्लें होंगी, यानी डेयर, डी और दस। इसके मुकाबले में इंग्लिश में सिर्फ एक ही डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो कि होता है द, द मैन, द बुक, द टेबल, ये देखें सबके साथ द लगता है, द वोमन, इसमें कोई फर्क नहीं आता, सब द होता है। लेकिन जर्मन में याद रखिए तीनों मिलेंगे आपको। कुछ नाउन्स होंगे डेयर, जिसका मतलब है कि वो नाउन मैस्कुलिन नाउन है। कुछ नाउन्स होंगे डी, जिसका मतलब है वो फेमिनिन नाउन है। और कुछ नाउन्स होंगे डस, यानी वो नाउन जो है वो न्यूट्रल नाउन। देयर, दी, दस। फॉर एग्जाम्पल टेबल जो है ना, वो आप कहेंगे डेयर टिश, डेयर टिश, डेयर टिश का मतलब है द टेबल। और एग्जाम्पल्स कुछ, डेयर मान, आदमी, डेयर मान, डेयर आर्स्ट, द डॉक्टर। आपने देखा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग या नॉन लिविंग, कुछ नाउन्स मैस्कुलिन होंगे यानी डेयर, कुछ नाउन्स फेमिनिन होंगे यानी दी, और कुछ नाउन्स न्यूट्रल होंगे यानी दास। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ डेयर नाउन्स क्या हैं, वंस अगेन डेयर टिश द टेबल, डेयर मैन द मैन, और डेयर आर्स्ट द डॉक्टर। दी के मिसालें आपको कुछ दे दूं, मिसाल के तौर पे दी ताशे, डेयर टिश क्या था द टेबल, और दी ताशे का मतलब है द बैग, और द बैग, दी फ्राओ, दी फ्राओ, द वोमन। अच्छा यहां पर आपको लॉजिक से भी पता चल जाता है कि अब औरत है तो नॉर्मली वो डी होगी, दी फ्राओ, ठीक है जी। अच्छा दी फ्राओ के बाद मिसाल के तौर पे दी ब्लू में, द फ्लावर, फूल को कहती है दी ब्लू में, दी ताशे, दी फ्राओ, दी ब्लू में, ठीक है जी। ये दी के कुछ मिसालें हैं। इसके अलावा दास की कुछ नाउन आपको सिखाऊं। मिसाल के तौर पे दास बूख, दास बूख, दास बूख का मतलब है द बुक, द बुक, किताब। दास किंड, दास किंड, द चाइल्ड, बच्चा, वो क्या होता है दास किंड। और दस मेडशन, एक लड़की जो होती है गर्ल, उसको कहते हैं जर्मन में दस मेडशन। आपके जहन में जरूर आएगा कि लड़की तो फेमिनिन होती है तो वो दी मेडशन क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसमें एग्जैक्ट तो वजह नहीं बता सकते आपको, मैंने बताया था कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कोई नाउन डे क्यों है और दस क्यों है और दी क्यों है। बाद में हम आपको थोड़े से टिप्स देंगे कि इस किस्म के नाउन ज्यादातर देयर होते हैं या इस किस्म के नाउन ज्यादातर दी होते हैं, लेकिन हम आपको शुरू में आपसे तवक्को रखते हैं कि आप जब भी नाउन सीखें तो आर्टिकल के समेत सीखें, यानी कि वो डेयर है, दी है या दस है। तो दस मेडशन की बात हो रही थी। देखिए दस मेडशन में एंड में आता है शेन, शेन, इसको ग्रामर की लैंग्वेज में ना डिम्यूनिटिव कहते हैं, यानी किसी चीज को छोटा करना। तो जो ओनली एक्सप्लेनेशन है इसके, मेडशन, क्योंकि एक छोटी बच्ची होती है लड़की, तो इस वजह से शेन इसमें आता है। तो जितने भी वर्ड्स शेन के होते हैं ना जर्मन में, उन सब के साथ दास आता है। तो इसी वजह से शायद लड़की जो है
वो दी मैच्योर नहीं होती, वो दस मैच्योर होती है। तो वंस अगेन आपको हमने तीन आर्टिकल सीखे, डेयर, दी और दस, ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और हमने मिसालें सीखी हैं डेयर टिश, डेयर मान, डेयर आर्स्ट, डी ताशे, डी फ्राउ, डी ब्लूमे, दस बूख, दस किंड, दस मैट्श। ये आपने नाउन सीखे, इनके मीनिंग्स भी आपने सीख लिए। अच्छा दोस्तों, हर नाउन का आपको पता है कि एक प्लूरल होता है, जिस तरह किताब, किताबें, द बुक, द बुक्स। आपको पता है इंग्लिश में भी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द वुमन का प्लूरल क्या होता है? द वीमेन। द चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? द चिल्ड्रेन। द बुक का प्लूरल क्या होता है? द बुक्स। इसी तरह जर्मन में भी कोई रूल ऐसा स्पेशल नहीं है कि मैं आपको बताऊं इस तरीके से प्लूरल बनते हैं। जब भी नाउन सीखिए तो नाउन का आर्टिकल सीखिए कि वो डेयर है, डी है या दास है, और फिर उसका प्लूरल फॉर्म भी सीखिए। ये ध्यान में रखिए कि प्लूरल के साथ जो हम आर्टिकल यूज करते हैं ना, वो करते हैं डी, यानी प्लूरल में हमें याद नहीं करना पड़ता कि वो डेयर है, दी है या दास है। तमाम प्लूरल्स के साथ आप आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे डी। मिसाल के तौर पे एक टेबल जो होगी ना, वो होगी डेयर टिश, द टेबल डेयर टिश, और इसका प्लूरल होगा डी टिशे, डेयर टिश, और इसका प्लूरल होगा डी टिशे। एक आदमी क्या होगा? डेयर मान, डेयर मान, एक आदमी, और बहुत से आदमी होंगे डी मैनर। आपने देखा ए पे उमलाउट लग गया, डी मैनर। मन का प्लूरल क्या होता है? डी मैनर। और एक डॉक्टर क्या होगा? देयर आर्स्ट, देयर आर्स्ट, और बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे डी एर्स्टे। एक बैग होगा जी डी ताशे, और बहुत सारे बैग्स होंगे डी ताशन। एक औरत होगी डी फ्राउ, और बहुत सारी औरतें होंगी डी फ्रावन, डी फ्रावन। एक फूल होगा डी ब्लूमे, और बहुत सारे फूल होंगे डी ब्लूमन। एक किताब होगी दस बूख, और बहुत सारी किताबें होंगी डी ब्यूशर। अब ख्याल कीजिएगा कि सिंगुलर में ना दस बूख में सी एच की साउंड खे की है, दस बूख, और प्लूरल में तो क्या होगा? डी ब्यूशर। इसमें देखिए सी एच की साउंड जो है ना, वो श की है। सी एच आपको याद है, ये कभी खे की साउंड देता है, कभी शीन की। तो जर्मनी में ज्यादातर शीन की साउंड थी। वैसे स्विट्जरलैंड में इसको ब्यूशर नहीं कहेंगे, स्विट्जरलैंड में ब्यूखर ही कहेंगे। और एक बच्चा होगा जी दस किंड, और बहुत सारे बच्चे होंगे डी किंडर, डी किंडर, बच्चे। एक लड़की होगी दस मैटशन, और बहुत सारी लड़कियां होंगी डी मैटशन। आपने देखा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूँ दस मैटशन, तो मेरी मुराद कोई एक लड़की की तरफ है, और अगर मैं कहूँ डी मैटशन, तो मेरी मुराद बहुत सारी लड़कियों की तरफ है। तो इससे पता लग जाता है आपको। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बेसिक चीज समझ आ गई होगी कि ईच एंड एवरी नाउन विल हैव अ जेंडर। मैस्कुलिन नाउन्स डे होंगे, फेमिनिन नाउन्स डी होंगे, न्यूट्रल नाउन्स दस होंगे, और प्लूरल सबका आप बनाएंगे डी के साथ। तो जब भी नया नाउन सीखें तो उसको आर्टिकल भी उसका सीखें, और अगर मुमकिन हो तो प्लूरल भी सीखें। तो ये इसका तरीका होता है। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चनल प्रोनाउन्स यानी सवाल करने के अल्फाज जो हैं कुछ, वो सीखेंगे हम। आगे और भी आएंगे बहुत से, मगर हम शुरू में आपको दो क्वेश्चनल प्रोनाउन सिखाएंगे। एक है वास और एक है वेयर। वास का मतलब होता है व्हाट, और वेयर का मतलब होता है हु। अगर मैंने कहना हो ना वास इज दास, वास इज दास, तो इसका मतलब है व्हाट इज दिस। और किसी इंसान के बारे में पूछना हो तो मैं कहूंगा वेयर इज दास, वेयर, Where is this? Who is this? अच्छा, इसका जवाब फिर आप देंगे, दोनों का आप जवाब दे सकते हैं das ist, das ist। मिसाल के तौर पे टेबल है ना, मैंने आपसे पूछा was is das,
तो आपने कहा दास इज देयर डिश। दास इज का मतलब है दिस इज, इसको आप वो न्यूट्रल वाला जो डेफिनेट आर्टिकल दास है उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। दास इज एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है दिस इज द टेबल, हम कैसे कहेंगे दास इज देयर डिश। दिस इज द बैग, ये एक बैग है। दास इज दी ताशे, दास इज दी ताशे, ये एक किताब है। दिस इज द बुक, तो क्या कहेंगे दास इज दास बुख, दास इज दास बुख, ठीक है ना जी। और इंसानों के लिए भी कह सकते हैं दास इज टॉमस, दास इज तानिया, दास इज इमरान, तो इंसानों के लिए भी इसी तरह से कहेंगे, ठीक है ना। इंसानों के लिए, लेकिन आप सवाल जो होगा ना आपका वो होगा वेयर इज दास। वेयर इज दास का मतलब है हु इज दिस। आंसर दोनों का वास इज दास का और वेयर इज दास का, दास इज करके होगा दिस इज। और अगर कोई चीज है तो आप कह देंगे दास इज देयर इज या दीता से, इस तरह से। और अगर इंसानों का कहना है तो आप सिंपली कह दीजिए दास इज टॉमस, दास इज तानिया, दास इज इमरान। तो दोस्तों ये हमने सीखे क्वेश्चनल प्रोनाउंस वास और वेयर। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ टॉपिक्स के हिसाब से अब आपकी वोकैबलरी बनाने में मदद करूंगा। अलबत्ता हम जो टॉपिक्स के हिसाब से वोकैबलरी सीखेंगे उसमें वक्त की बचत की खातिर और आपको सिंपली सिंपल करने के लिए आपके लिए हम सिर्फ सिंगुलर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फामिलिए, फामिलिए यानी फैमिली। टॉपिक को जर्मन में कहते हैं थेमा। हमारा पहला टॉपिक है आज का फामिलिए। तो आप कुछ थोड़े से नाउन सीखिए फैमिली से रिलेटेड और फिर इसके बाद में आपको थोड़े से कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स भी इससे मुताल्लिक सिखाऊंगा। तो नाउन सीखते हैं, सिर्फ सिंगुलर में सीखेंगे, प्लूरल्स इसमें नहीं, मैं बता रहा हूँ। लीजिए आप दिल चाहे तो साथ साथ रिपीट भी कर सकते हैं। वालिद साहब को कहते हैं डेयर फादर, डेयर फादर यानी बाप, वालिद। मदर को कहेंगे दी मुटर, दी मुटर, डेयर फादर दी मुटर, द मदर। और दोनों मिलके बनेंगे दी एल्टर्न, दी एल्टर्न का मतलब पेरेंट्स, वाल्डेन, देयर फादर दी मुटर और दी एल्टर्न। जब फिर आएगा देयर ब्रूडर, देयर ब्रूडर, देयर ब्रूडर का मतलब है ब्रदर। बहन को कहते हैं दी श्वेस्टर, देयर ब्रूडर और बहन क्या हुई दी श्वेस्टर, और दोनों मिलके बनेंगे दी गिश्वेस्टर। गिश्विस्टर मतलब बहन भाई, इंग्लिश में आप कहेंगे सिबलिंग्स। तो डे ब्रूडर दी श्वेस्टर और बहन भाइयों को कहते हैं जी दी गिश्विस्टर। फैमिली को कहते हैं दी फामिलिए, दी फामिलिए। बेटा होगा डे जोन और बेटी होगी दी टॉक्टर, दी टॉक्टर, बेटी क्या होगी दी टॉक्टर। और एक बच्चा जो होता है वो होगा दास किंड। और एक आदमी या जेंटलमैन जिसे कहते हैं हम, वो होता है डेयर हेयर, डेयर हेयर, उर्दू में आप कह सकते हैं जनाब मोहतरम। तो डेयर हेयर द जेंटलमैन। और खातून जो होती है इज्जतदार खातून, उसको कहते हैं दी डामे, दी डामे, द लेडी। तो ये नाउंस मैं चाह रहा हूं आप फैमिली से रिलेटेड सीख लें, मैं रिपीट कर देता हूं। डेयर फादर दी मुटर, दी एल्टन, डेयर ब्रूडर, दी श्वेस्टर, दी गेश्विस्टर, दी फामिलिए, डेयर जोन, दी टॉक्टर, दास किंड, देयर हेयर और दी डामे।
इसके साथ साथ फैमिलियर से रिलेटेड कुछ थोड़े से मैं आपको वर्ब्स भी सिखाता चलूँ, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ड्स, वो भी सीख लीजिए। आप बोलिए लेडिश, लेडिश, लेडिश का मतलब गैर शादीशुदा, सिंगल। उमर इज लेडिश, उमर गैर शादीशुदा है। गेबोरन, गेबोरन का मतलब है पैदा होना, मैं फलां फलां तारीख को पैदा हुआ था, इस सेंटेंस में गेबोरन का मतलब होता है पैदा होना। और फेरहायराटेट, ये भी एक एडजेक्टिव है, जिस तरह लेडिश का मतलब है सिंगल अनमैरिड, इसी तरह फेरहायराटेट का मतलब है शादीशुदा। कुछ वर्ब सीखिए और देखिए, अनरूफन, अनरूफन का मतलब है टेलीफोन कॉल करना, अनरूफन, इनका इस्तेमाल हम बाद में सीखेंगे। किसी को इनवाइट करने को कहते हैं आइनलाडन, आइनलाडन। कॉन्ग्रेचुलेट करना, मुबारकबाद देना, ग्रैटुलियरन, ग्रैटुलियरन यानी कॉन्ग्रेचुलेट। इसी तरह ही काम करना, आर्बाइटन, काम करना आर्बाइटन। किसी को विजिट करना, मुलाकात करना, उसको कहते हैं बिजुखन, बिजुखन टू विजिट। और मोहब्बत करना, प्यार करना, लीबन, लीबन टू लव। तो ये थोड़े से फैमिलियर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ नाउन सिखाए हैं, कुछ वर्ब्स और कुछ एडजेक्टिव्स। तो चलिए हम टॉपिक नंबर यानी थेमा नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और वो क्या है, वोनन, वोनन यानी रहना। इसमें आप सीखिए ये अल्फाज, नाउन्स पहले सीखते हैं। दी एड्रेस से, दी एड्रेस से पता, आपने नोट किया है जर्मन में एड्रेस में सिंगल डी आता है, एड्रेस से। डस बेट यानी बेड। दी क्यूशे, दी क्यूशे द किचन। दी मेबल, दी मेबल यानी फर्नीचर। देयर श्लुसल, देयर श्लुसल चाबी। देयर श्रांक, देयर श्रांक अलमारी। द सिमर, द सिमर द रूम। द सोफा, सोफा। दी स्टैट, दी स्टैट द सिटी शहर। दी स्ट्रासे द रोड सड़क। दी ट्रेपे, दी थ्रेपे यानी सीढ़िया। और घर जो है ना, फ्लैट घर, इसको कहेंगे दी वोनोक। अपार्टमेंट को, फ्लैट को जर्मन में कहते हैं दी वोनोक। और ये कुछ नाउन्स थे जो कि वोनन से रिलेटेड थे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एडजेक्टिव्स और वर्ब सीख लेते हैं चंद। तो बोलिए अलाइन, अलाइन का मतलब अलोन, मैं अकेला रहता हूँ, वो ने अलाइन। डूशन, डूशन होता है नहाना, शावर करना, डूशन। फिर एक वर्ड सीखिए सुजामन, सुजामन यानी टुगेदर। टीवी देखना फैनजेन। किराए पर लेना मीटन, किराए पर लेना मीटन। अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो उसको कहते हैं उम्सियन, उम्सियन यानी शिफ्ट करना, घर बदलना, उम्सियन। किसी स्विच को, लाइट को, किसी चीज को बंद करना आउसमाखन, आउसमाखन टू टर्न ऑफ, टू स्विच ऑफ, इस सेंस में। रहना ये होता है वोन, हमारा टॉपिक भी यही है। और इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना क्या होता है, बेनुटसन, बेनुटसन टू यूज। तो दोस्तों ये चंद अल्फाज आपको सिखाने थे, अलाइन, डूशन, सुजामन, फैनजेन, मीठन, उम्सियन, आउसमाखन, वोनन और बेनुटसन। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 था, थेमा 2।
अब आइए तीसरी टॉपिक पे, एसन ओन ट्रिंकन, यानी खाना और पीना। एसन ओन ट्रिंकन, इससे रिलेटेड कुछ नाउंस करते हैं और फिर कुछ वर्ब्स वगैरह करेंगे। बोलिए, डे एप्फल यानी सेब, डे एप्फल सेब। दस बियर यानी बियर, पीने वाली। दस ब्रोट द ब्रेड, दस ब्रोट द ब्रेड। दस एसन फूड, खाना। दस एसन दी फ्लाशे बॉटल। दस फ्रूस्टुक नाश्ता। डे हुंगर भूख, हंगर। डे कुखन केक। दी मिल्श यानी मिल्क, दूध। डे जालाट द सैलड। डे जाफ्ट यानी जूस। दस वासर यानी पानी। देखिए, आपने नोट किया, जूस क्या होता है, डे जाफ्ट, पानी क्या होता है, दस वासर, लेकिन दूध जो होता है ना, वो होता है दी मिल्च। तो जब आप ये याद करें नाउन, तो समेत उसके आर्टिकल के याद करें। एसन और ट्रिंकन से मुतालिक कुछ और अल्फाज भी सीखेंगे, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। बोलिए, बिस्टेलन बिस्टेलन। बिस्टेलन का मतलब होता है ऑर्डर करना, किसी चीज को ऑर्डर करना। कोखन कोखन टू कुक, पकाना। राउखन काउखन, राउखन टू स्मोक, सिगरेट पीना, मिसाल के तौर पे राउखन है। श्मेकन टू टेस्ट। ट्रिंकन टू ड्रिंक, पीना। एसन टू ईट। इंग्लिश में ना हम वर्ब्स के साथ टू लगाते हैं। टू ईट क्या होगा, एसन। पीना क्या होगा, टू ड्रिंक क्या होगा, ट्रिंकन। टेस्ट करना, टू टेस्ट क्या होगा, श्मेकन। और दो एडजेक्टिव भी सीखिए, बिटर बिटर का मतलब कड़वा, और ज्यूस ज्यूस मीठा। स्वीट क्या होगा, ज्यूस, और कड़वा होगा बिटर। ये एडजेक्टिव है। और एक एक्सप्रेशन बहुत इस्तेमाल होता है, आप बोलिए, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब है अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, अ लिटिल बिट। तो ये हमने थेमा एसन और ट्रिंकन से मुतालिक किया। तो हमारी आखिरी टॉपिक है राइजन। राइजन यानी ट्रैवलिंग। तो चलिए इसके नाउन्स कुछ सीखते हैं। बोलिए, दी अपफार्ट। दी अपफार्ट का मतलब है डिपार्चर यानी रवानगी। दी अनकुन्फ्ट, अनकुन्फ्ट कहते हैं आमद को, यानी द अराइवल। और इंफॉर्मेशन को कहते हैं दी आउसकुन्फ्ट। दी आउसकुन्फ्ट यानी मालूमात, इंफॉर्मेशन। वैसे दी इंफॉर्मेशन भी जर्मन में कह देते हैं, लेकिन वो एक इंग्लिश का वर्ड है जो जर्मन में आ गया, लेकिन जर्मन में, एक्चुअल जर्मन में लफ्ज है दी आउसकुन्फ्ट यानी मालूमात, इंफॉर्मेशन। फिर सीखिए दस आउसलैंड। दस आउसलैंड का मतलब होता है गैर ममालिक, फॉरेन कंट्री, दस आउसलैंड। डे बानहोफ, डे बानहोफ का मतलब है द रेलवे स्टेशन। वैसे बूस बानहोफ भी हो सकता है, बस स्टेशन भी हो सकता है, बानहोफ का मतलब स्टेशन। दस गिपैक, दस गिपैक, ए पे देखिए उमलाउट, इट्स नॉट गिपाक बल्कि गिपैक, इसका मतलब है लगेज, सामान। डे पास यानी पासपोर्ट। डे कॉफर, कॉफर यानी सूटकेस। दस लैंड यानी मुल्क। दस गाइजे ब्यूरो, गाइजे ब्यूरो का मतलब है ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल ऑफिस। दस आउटो, दस आउटो कार। डेयर उरलाउब, डेयर उरलाउब छुट्टियां, वेकेशंस, ये नाउन्स इससे रिलेटेड हमने सीखे हैं।
अच्छा, कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव भी सीख लें। देखिए, बोलिए अपफारन। अपफारन मतलब टू डिपार्ट, रवाना होना। देखिए, वो हमने सीखा था ना अपफार्ट, वो इसी से निकला था। अपफार्ट का मतलब था रवानगी, और रवाना होना ये वर्ब है जो, ये होगा अपफार। इसी तरह अबहोलन, अबहोलन का मतलब है टू फेच, टू पिक, किसी को पिक करना, अबहोलन। अनकॉमन, अनकॉमन का मतलब है टू अराइव, वो ऊपर हमने पढ़ा था ना, दी अनकुंफ्ट, ठीक है ना, दी अनकुंफ्ट जो है ना वो अनकॉमन से निकला है। अनकॉमन का मतलब टू अराइव, यानी पहुंचना। फिर फागन, फागन यानी जाना, किसी ट्रांसपोर्ट के साथ जाना, पैदल चल के जाना, तो आपको पता है गेयन होता है, लेकिन गाड़ी में बैठ के जाना, ट्रेन में जाना, वो फागन होता है। उड़ के जाना होता है फ्लीगन, फ्लीगन टू फ्लाई। और ट्रेवल करना, ट्रेवलिंग, वो होता है राइजन, राइजन टू ट्रेवल। और दोस्तों, आखिर में कोई किसी चीज को रिजर्व करना, उसको कहते हैं रेजर्वियरन, रेजर्वियरन। रात गुजारना, रात कहीं पे रहना, वो होगा यूबनाख्तन, यूबनाख्तन का मतलब है टू स्पेंड द नाइट। और दोस्तों, आखिर में बिल्कुल टाइम पर पहुंचना, वक्त की पाबंदी करना, उसको जर्मनी जर्मन में कहते हैं प्यूंक्लिश, प्यूंक्लिश। ठीक है जी, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आज देखें हमने ये सीखा, मैं समराइज कर दूं थोड़ा सा। हमने देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जर्मन में डेफिनेट आर्टिकल्स कैसे होते हैं। जर्मन में तीन डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, डेयर, डी और डस। मिसाल के तौर पे डेयर मान या डी फ्राओ या दस किंड, और प्लूरल सबके साथ डी लगता है। मिसाल के तौर पे दी मैनर, दी फ्राउन और दी किंडर, ये देखिए प्लूरल इस तरीके से बनता है। उसके बाद हमने थोड़े से कुछ अल्फाज सीखे थे, डेटेश, दी ब्लूमे, दस मेडन वगैरह। फिर मैंने आपको डिफरेंस बताई थी वास और वेयर के दरमियान। वास इज दस का मतलब है व्हाट इज दिस, और वेयर इज दस का मतलब है हु इज दिस, ये कौन है। और इन दोनों को अब जवाब में फिर कहेंगे दस इस्ट, दस इस्ट, और आगे जो भी चीज है तो आप कहेंगे दस इस्ट। मिसाल के तौर पर डेयर टेश डी ताशे, और अगर आदमी है, कोई इंसान है, तो आप कहेंगे दस इस्ट इमरान, दस इस्ट उमर, इस तरीके से। और दोस्तों, उसके बाद फिर मैंने आपको A1 इम्तहान की मुनासबत से आपको मैंने कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ अल्फाज सिखाए हैं, नाउन्स भी, और कुछ उससे रिलेटेड थोड़े से वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका पहला लेसन था नाउन्स का। अभी नेक्स्ट लेसन नाउन्स 2 में, यानी नोमन्सवाई में, आपको मजीद चीजें नाउन से मुतालिक सीखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।